हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री एंड मेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। वो सेक्शन 4 इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में भी इम्पॉर्टेंटली जो डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये वाली जो तीन डेफिनेशन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डिसप्रूव्ड पे और नॉट प्रूव्ड पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। फिर सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 16 तक ये सारे सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। फिर सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 31 तक, जो एडमिशन और कन्फेशन के बारे में जहां बात करी हुई है, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। देन सेक्शन 32 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बचे हुए 7 क्लॉजेज हैं वो भी आप एक बार देख सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 33 से लेकर के 38 तक, अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा, ये तरीके का आप निमोनिक समझ सकते हैं, BPMAL से आप याद रख सकते हैं। पहले देखते हैं सेक्शन 34 से यहाँ 38 है, 33 भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये वाला जो निमोनिक है ये सेक्शन 34 से लेकर के 38 तक का है। सेक्शन 34 में हम अगर बात करें तो सेक्शन 34 में एंट्रीज इन बुक्स के बारे में बताया है, वो कैसे रेलिवेंट होगी वो बताया है, तो उसका बी यानी कि सेक्शन 34 का। फिर उसके बाद पी से पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, जो कि सेक्शन 35 में बताया है। आपका एम से मैप वाला सेक्शन हो गया, जो सेक्शन 36 में बताया है। फिर ए से आपका सर्टन एक्ट्स और नोटिफिकेशन रेलिवेंट होती हैं, वो आपका सेक्शन 37 में बताया है। और फिर एल से लॉ बुक्स हो गई, जो आपका सेक्शन 38 में बताया है। तो ये सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 38 तक का निमोनिक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये वाले स्टेटमेंट्स हैं जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस में दिए जाते हैं। फिर सेक्शन 39 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 40 से लेकर के 44 तक जो जजमेंट्स के बारे में बताया गया, जजमेंट कब रेलिवेंट होंगे वो इंपॉर्टेंट है। 45 से 51 तक आपका ओपिनियन बताया गया, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, और रिलेशनशिप पे अगर कोई ओपिनियन देता है तो वो सारी बातें बताई गई हैं 50 से 51 में, ये सब इंपॉर्टेंट है। 52 से 55 आपका कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा, गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन 56 to 58, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेक्शन 56 में बताया है जिनका जुडिशरी नोटिस ले लिया जाए उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको जिनका कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले ले उनको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन 58 क्या कहता है कि जो फैक्ट्स ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला इसमें ये भी बताया है कि कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है, अगर कोर्ट चाहे तो उसको उसका एविडेंस मंगा सकती है। फिर सेक्शन 59 to 60 विच इज़ योर ओरल एविडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 61 से लेकर के 63 तक, 65, 65A, 65B, 65A तो 65B के साथ ही है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 65B इंपॉर्टेंट है। जब 65B आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 65A क्यों पढ़ना है, उसमें कुछ एक ही लाइन लिखी है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। फिर सेक्शन 74 से 75 तक इंपॉर्टेंट है। फिर 79 से 90A जो कि प्रेजम्पशंस के बारे में बताता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, किसको कोर्ट प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम करेगी, किसको कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगी, तो ये प्रिलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं बनते। 91 से 100 तक इंपॉर्टेंट है पूरा, 91 एंड 92 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद 101, 102 दोनों सेक्शन, 106 से लेकर के 108 तक ये सब इम्पॉर्टेंट है, 110, 113A एंड 102, 114A यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 115 to 117, फिर 118 to 121, 123 to 124, 126, 133 एंड 134, ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंप्लेंट्स के बारे में बताता है। 137, 138, फिर 141 से 143 तक, 145, 149, 154 एंड 159, देन उसके बाद लास्ट सेक्शन जो आपका है वो सेक्शन 167। ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। कुछ अगर एविडेंस एक्ट में नहीं पढ़ना है, बहुत कम टाइम है, तो सिर्फ अगर ये सेक्शंस थरली, ये सेक्शंस ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट में जाके पढ़ना ही पड़ेगा, इन सेक्शंस को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फॉर योर इंडियन एविडेंस एक्ट, फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। अगर शुरू कर रहे हो तो ये सारे सेक्शन सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप लोगों को देखने हैं तो उसको मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।